Hola, vos, ¿quién sabe? Hello and welcome, friends. How are you here? Yes. अरे और पास मुला आले तापने यही चीज ठीक. One minute. Okay. Yes. Now things. One second. ओके के बारे में अच्छा सो लास्ट क्वेश्चन के बाद अब आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे आप लोगों को. Next question is something like this. Here, if A is a 2x2 matrix, the question can if capital A is a 2x2 matrix, then khatam ho gaya. So, matrix ka naam yaad rakhna. Okay. If capital A is a 2x2 matrix, if 2x2 ka matrix hai capital A, such that जिसमें की कंडीशन दी और ये सच दैट ए रेस टू 2008 प्लस ए रेस टू 2009 प्लस ए रेस टू 2008 इट इज इक्वल टू आई. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला है. देन ए रेस टू 2008 का इनवर्स या फिर यहाँ पे लेंगे तो उसको देन उसका देन क्वेश्चन पूछा रहा है ए रेस टू 2008 का इनवर्स इज इक्वल टू ए रेस टू 2008 का इनवर्स इज इक्वल टू कितना रहेगा. सो इन विच फर्स्ट ऑप्शन इज समथिंग लाइक टू बी ए की ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ए रेस टू 2008 प्लस आई 2008 प्लस आई बी ऑप्शन समथिंग लाइक टू बी ए रेस टू 2009 प्लस आई ओके सी ऑप्शन इज समथिंग लाइक टू बी ए A plus I only. A plus I only. And last option, option number D is something like to be A. So which one of them correct? It is an important question. It is asked in examination. It is a very important question. Okay. So question में क्या पूछा है? Question एकदम clear है कि कोई एक matrix है A, 2x2 matrix है और इसपे एक condition है A raised to 2009 plus A raised to 2008 is equal to I. Then you are interested to find out A raised to 2008 का inverse कितना रहेगा? इतना रहेगा, इतना रहेगा, इतना रहेगा, इतना रहेगा. So it is important question asked in one of the examination. Exam में पूछे वाला प्रश्न है. Yes. कर सकते हैं इसको solve? Yes, tell me now. आएगा solve करने इसमें?
ए प्लस आई की वाली किसको निकालने का, ए रेस टू 2008 इनवर्स का निकालने का ना, ठीक है। यस, व्हाट इज ऑप्शन ये देखो, तुम करेंगे सॉल्व करने के लिए बताना यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो कंडीशन दी वाली है जनरली इसको सॉल्व करेंगे अपन, ए रेस टू 2009 ए रेस टू 2008 इज इक्वल टू कितना आई, तो यहां पे ए का पावर 2009 है, यहां पे ए का पावर 2008 है, तो हम ये 2009 को कैलकुलेट 2000 पावर का 8 और ए का पावर कितना 1, दोनों का बेस सेम पावर की एडिशन करेंगे तो 2008 और 1 कितना मिलेगा 2009 प्लस ए रेस टू 2008 एज इट इज, और यहां पे इनटू यहां पे अगर सेम ठीक है इक्वल टू कितना 8, ऐसा करने से यहां पे जो है 2008 जो है यहां पे क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा, देखो इसमें ए रेस टू 2008 आ गया, इसमें ए रेस टू 2008 कॉमन आ गया, ए रेस टू 2008 कॉमन निकाला मैंने यहां पे क्या बचा ए प्लस, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 118 यहां पे मैट्रिक्स में 1 के जगह क्या लिखते अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तुमको ऐसे भी मालूम है कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आएंगे, देखो जनरल यहां पे क्या आना चाहिए था ए रेस टू 2008 अगर से हमने दोनों में से कॉमन निकाले थे यहां पे ए बचना चाहिए था और यहां पे 1, मगर ये मैट्रिक्स में अपन 1 ही लिखते, 1 मतलब क्या है यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहां पे हम 1 के प्लेस पे आई लिखेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, बिकॉज ये मैट्रिक्स को अगर से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगी, तो यहां पे हमने आई लिखा, यहां से ये कॉमन निकल गया तो आई बच गया इक्वल टू कितना, तो यहां पे ए रेस टू 2008 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में इसके इसके डिवीजन में जाएगा, इसको हम यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर कैन राइट दिस वन एज अ ए प्लस आई इक्वल टू 1 अपॉन ए का पावर 2008 डिवीजन में चलेगा, किसके डिवीजन में चलेगा आई के डिवीजन में, ठीक है, तो फिर इसको अपन ऐसे लिखेंगे ए प्लस आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 2008 ए रेस टू 2008 सॉरी ए रेस टू 2008 यहां पर मल्टीप्लिकेशन में था ए रेस टू 2008 यहां पे आई के क्या पे चलेगा डिवीजन में, अभी तुमको ये प्रॉपर्टी मैंने 100 भी बताया था कि 1 अपॉन 2 है ऊपर लाएंगे तो 2 का पावर -1, उसी तरीके से अगर से 2 का पावर -1 है तो नीचे लाके कितना 1/2, तो ये बात याद रखो कोई भी संख्या अगर से नीचे है तो ऊपर जाके क्या होती 2 का पावर -1, तो यहां पे a रेस टू 2008 है जिसको मैंने ऊपर लेके गया तो क्या मिलेगा 1 का पावर 2008 और इसका क्या पावर -1 इनटू कितना i और ये कितना आएगा वापस a प्लस i, अब सबको मालूम है 1 का पावर 2008 इनटू इनवर्स मतलब ये मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स को अगर से हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिलने वाली है, मतलब हमको क्या मिलेगा a रेस टू 2008 का इनवर्स इज इक्वल टू कितना आया a प्लस i, एंड आई थिंक इट इज द क्वेश्चन आस्क्ड हियर a रेस टू 2008 का इनवर्स कितना रहेगा, तो ये ऑप्शन कितना आएगा ऑप्शन नंबर c मींस a प्लस i, इट इज आस्क्ड इन वन ऑफ द जेईई एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन जेईई में पूछे वाला है, अभी ईयर तो मालूम नहीं है मगर जेईई में पूछे वाला है, यस टेल मी नाउ इट्स क्लियर नाउ, आ गया सबको समझ में, जल्दी बताओ इज दैट क्लियर, यस सर ठीक है, फिर भी अगर किसी का नहीं समझा हो तो एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता देखो, क्वेश्चन में क्या आने वाला है, एक मैट्रिक्स ए 2x2 मैट्रिक्स है, इतना तो क्लियर होगा कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स है ना, कैपिटल ए क्या है मैट्रिक्स है 2x2 का, और कंडीशन दी हुई है a का पावर 2009 प्लस a का पावर 2008 इज इक्वल टू i, अगर से है तो इसमें a का पावर 2008 का इनवर्स कितना रहेगा ये हमको निकालना है, तो इसमें हमने क्या करें पहले सिंपल कंडीशन जो कंडीशन दी वाली है दैट इज दूसरी कंडीशन दी वर्ड बस, एंड इन दैट वन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट a रेस टू 2008 का इनवर्स निकालने का है, तो हमें सबसे पहले क्या करें यहाँ पे ये जो 2009 है दिस 2009 कैन बी डन एज a रेस टू 2008 इनटू a का पावर 1, दोनों का बेस सेम पावर के एडिशन 2008 और 1 कितना होगा 2009, और यहाँ पे 2008 एज इट इज यहाँ पे पहले i नहीं था, i किसके आया यहाँ पे अगर से a का पावर 2008 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकला तो यहाँ पे a बच गया, और यहाँ पे जनरली क्या आना चाहिए था 1, अगर मैट्रिक्स में 1 मतलब आइडेंटिटी इसलिए हम इसको 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं i, और वैसे भी कोई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आएगा, मतलब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहां से ये अगर से कॉमन निकल गया तो यहां बच गया a यहां पे बच गया i और यहां पे i एज इट इज, तो a का पावर 2008 कहां पे है इसके मल्टीप्लिकेशन में कहां पे जाएगा i के डिवीजन में, ये डिवीजन में चलेगा, डिवीजन में जाने के बाद प्रॉपर्टी क्या है कि अगर से 1 अपॉन 2 है इसको ऊपर लाने का है तो इसका पावर क्या होगा -1, उसी तरीके से इसको अगर से ऊपर लाना है
तो ए रेस टू टू लॉग और एट का पावर कितना हो गया माइनस वन और ये आई एज इट इज. कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा. ऑप्शन नंबर नाउ इट इज क्लियर. डबल क्वेश्चन बताया, इससे बताया कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा वाला है, जेईई में पर तुमको आना चाहिए. क्लियर है सबको, आ गया समझ में? यस. चले अगले क्वेश्चन की तरफ. वेरी गुड. न्यू न्यू क्वेश्चन देखेंगे अभी. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने, इनवर्स पे तो ये हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी क्योंकि मेरे ख्याल से एग्जाम में पूछा वाला है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, क्या निकालने का हमको. ठीक है, इफ ए ऑफ थीटा, वेरी गुड, नाइस, अभिनंदन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, थोड़े अलग अंदाज से. आप थोड़ा लेवल थोड़ा अपने थोड़ा बढ़ा दिया अभी, है ना, सिंपल सिंपल से अभी थोड़ा लेवल बढ़ गया. आप थोड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो ले जाते हैं, इनवर्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैट्रिक्स में एलिमेंट है वन टेन थीटा माइनस टेन थीटा वन, वन टेन थीटा माइनस टेन थीटा वन एंड ए बी इज इक्वल टू आई एंड AB is equal to R, comma AB equal to I, comma then sec square theta into B is equal to what? Sec square theta into B is equal to. फिर option A of theta, this option A of minus theta, this option A of theta by two. चौथा ऑप्शन ए ऑफ माइनस थीटा बाय. अच्छा, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछा वाला है कि कोई एक मैट्रिक्स है ए ऑफ थीटा, मतलब आएगा जो थीटा है, क्या दिया वाली है वन टेन थीटा माइनस टेन थीटा वन और एंड ए बी इज इक्वल टू आई, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन. तो इसमें से हमको निकालेगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू बी इज इक्वल टू कितना रहेगा. ऑप्शन पर तुमको दिया वाले A of theta रहेगा, A of minus theta रहेगा, A of theta by two रहेगा, या फिर आया क्या किसी का आंसर? Yes, tell me now. इसका आंसर आया कैसे? Yes. Yes, tell me now. आया किसी का आंसर? कोई बोल रहा था क्या भी कुछ इसमें? ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो अभी अभी इसको कैसे निकालेंगे इसको को? सबसे पहले ये कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे. What is the condition here? AB is equal to IAB only. और हमको क्या निकालने का है, sec स्क्वायर थीटा इनटू b की वैल्यू निकालने का है. देखो आज के क्वेश्चंस में मैंने थोड़ा लेवल बढ़ा दिया अंडरस्टैंडिंग का, सिंपल सिंपल क्वेश्चन खत्म हो गए, अब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया तुमने एग्जाम का. देखो ab इज इक्वल टू i है और हमको निकालने का है sec स्क्वायर थीटा इनटू b की वैल्यू. तो इसका मतलब b तो एवरेज रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे b एवरेज रखेंगे और कुछ करके sec स्क्वायर थीटा लेकर आएंगे. सबसे पहले b कब रहेगा एवरेज ये बोलो, सबको मालूम है बी एवरेज कब आएगा यहाँ पे, मतलब अपने को ए नहीं होना खाली यहाँ पे बी होना, ऐसा कब आएगा ये बोलो. अभी एक स्टेप भी बोलो कम से कम, क्या कर सकते हो उसमें. क्वेश्चन समझा गया, ए बी इज इक्वल टू आई है, सिर्फ मेरे को यहाँ पे बी होना ए नहीं होना, हम क्या कर सकते ये बोलो. क्लियर ना, ऐसे वन बाय वन जाएंगे, स्टेप बाय जाएंगे. क्वेश्चन समझ चलो, यहाँ पे आई वॉन्ट ओनली बी ओनली, यहाँ पे सिर्फ मेरे को बी होना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इनटू बी है, मतलब एक बी मिल गया तो सेक स्क्वायर थीटा का कहीं से भी बंदोबस्त हो जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ बी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बोलो. मेरे को रूट ट्रांसफर की करने की जरूरत नहीं है इसमें, ए को आइडेंटिटी. यस, ये बराबर है खुशी का, बराबर है कि यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने इससे पहले भी स्टेप तुमको बताया वाला है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स. ए इनवर्स से तुम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इनवर्स और ये ए इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी दोनों साइड से, इधर से भी तुमको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये स्टेप समझी क्या हमको, यहाँ पे क्या है ये ए बी इज इक्वल टू आई, ये कंडीशन में से हमको बी मिल सकता,
sec स्क्वायर थीटा का कहीं ना कहीं से तो प्रॉब्लम मतलब मिल जाएगा इसका प्रश्न, तो ये भी तो आना पड़ेगा। बी मैट्रिक्स आ गई उसके मल्टीप्लीकेशन में sec स्क्वायर थीटा आया, कोई खास बात नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू आई, ये है इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इनवर्स इनटू ए, ए के साथ दिया है बी इज इक्वल टू इनवर्स इनटू आई, सबको मालूम है इनवर्स इनटू आई आई बी ए इनटू इनवर्स सी रिजल्ट मालूम है ना सबको, क्या भूल गए, ए इनवर्स लिखो या फिर ए इनवर्स इनटू ए लिखो, ये क्या रहता है इज इक्वल टू आई, ये अपन ने बोर्ड में प्रूफ करने वाला है, अगर तुमको याद आ रहा होगा रिजल्ट तो बोर्ड में प्रूफ करने वाला है कि कोई भी मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या फिर इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है आई इतना मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से ये हो गया आई, आई इंटू बी इनवर्स इंटू आई एज इट इज। आप दोनों साइड से देखो, कोई भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वही सेम मैट्रिक्स बी एज इट इज। ए इनवर्स को तुम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स का मतलब ए इनवर्स एज इट इज। एक्चुअल कंडीशन क्या आगे बोलो, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B is equal to कितना आ गया a inverse, अभी two by two matrix है तो कोई इसका बिल्कुल inverse बताओ क्या formula a inverse का formula क्या है one upon determinant of a into adjoint of a right b is equal to a inverse का formula क्या हो गया one upon determinant of a into adjoint of a इसका determinant बताओ मेरे को क्या आ गया one into one one formula का minus minus tan theta into minus tan theta minus minus become plus tan square theta। और इसका एडजॉइंट का शॉर्टकट सबको मालूम है, डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्लेस करो और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करो, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, उसी तरीके से ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, ये शॉर्टकट है। इनवर्स का फॉर्मूला वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, वन इंटू वन वन, देखो वन फॉर्मूले का माइनस ऑलरेडी माइनस टेन डी टू माइनस टेन डी टू प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप बोलो वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब कितना सेक स्क्वायर थीटा, और ये इसका एडजॉइंट वन माइनस टेन थीटा इंटू वन, जैसे कि मैंने तुमको बताया अब ये बी इज इक्वल टू कितना आया सेक स्क्वायर थीटा, इसके डिविजन में इसके मल्टीप्लीकेशन में ली जा सकते इसको अपन, तो सेक स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में गया तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू बी, sec square theta into b is equal to कितना आंसर आया 1 minus tan theta, tan theta और कितना बोलो कौन सा ऑप्शन है, sec square theta is equal to 1 minus tan theta into 1, तो बोलो क्या आंसर है तुम्हारा जल्दी बताओ, अभी भी तुम्हारा आंसर क्या है, अभी भी कहानी में ट्विस्ट है, b बोल रहे हो पहचान, yes what about remaining students, पहचान के हिसाब से भी आंसर है और कोई, चलो तुम्हारा आंसर बताओ, सबने अपने अपने आंसर बताओ क्या आंसर आएगा, अभी भी आंसर नहीं आया उसका, ये नहीं दिख रहा क्या, इसको थोड़ी देर लगे जाओ, ये आंसर है, तो अब इसके हिसाब से बोलो तुम्हारा क्या ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, खुशी का भी बी बोलना है, व्हाट अबाउट रिमेनिंग वंस, बाकी स्टूडेंट्स से क्या बोलना है, यस टेल मी बी, वेरी गुड, माइंड का भी बी है, और कोई और किसी कुछ बोलना है आंसर, किसी भी डिफरेंट ऑप्शन बोलना है, देखो कैसा बी ऑप्शन क्यों बोल रहे स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा लास्ट आंसर आया, देखो लास्ट आंसर मैं यहाँ पे लिखता sec square theta into b देखो तो लास्ट आंसर है तुम्हारे पास वन माइनस का tan theta और यहाँ पे होगा, बोलो ये सही है, बी ऑप्शन बराबर है, क्यों बी ऑप्शन बराबर है, देखो अभी समझ के लो, बी ऑप्शन इसके बराबर है कि ए ऑफ थीटा को तुम देखेंगे तो ए ऑफ थीटा कितना है वन टेन थीटा माइनस टेन थीटा, तो बोलो ऐसे सेम मैट्रिक्स आई क्या, ये ए ऑफ थीटा की वो चीज आई क्या मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स आई क्या वो नहीं चेंज है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब ए ऑफ माइनस थीटा क्यों बोल रहे बच्चे, तो यहाँ पे अगर से तुमने एंगल को रिप्लेस करेंगे माइनस थीटा से तो क्या मिलेगा वन tan of angle is replaced by minus theta, मेरी तरह यहाँ पे इसको इसका पर a of minus theta की वैल्यू निकाल के बता रहा है यहाँ पे one replace angle by minus sine tan of minus theta minus tan of minus theta और ये कितना हुआ, तो a of minus theta मतलब जहाँ जहाँ theta है वहाँ पे minus लेंगे, और ये property सबको मालूम होना चाहिए कि tan के angle में अगर से
tan ऑफ माइनस थीटा है तो वो क्या मिलता माइनस tan थीटा। उसी तरीके से tan ऑफ माइनस थीटा है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या मिला प्लस का tan थीटा। तो देखो a ऑफ माइनस थीटा अगर से निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आई वन माइनस tan थीटा वन, और अपन sec स्क्वायर थीटा भी कितना निकाले सेम वन माइनस tan थीटा वन। इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन फॉर दैट वन। बोलो आया क्या समझ में, नहीं आया तो रिपीट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, जस्ट टेल मी इज दैट क्लियर, आया क्या बताओ एक बार, यस आ गया गुड वन। सबने अपने अपने बोले तो फिर कौन आएगा ना, कुछ बच्चों भी आएगा कुछ नहीं आएगा कोई परेशानी है, तो तुमको नहीं आया तो अपन रिपीट कर सकते। वेरी गुड माइक पे आ गया, नंदिनी आ गया यस क्लियर वेरी गुड, अजय को आ गया गुड वन। तर एवढं मुलांना आला समजा मग बाकीच्या काय अडचण आहे, पार्थला आला पार्थ कर्तन सोळंके गुड वन पैसे तर पहिले वन सब येतात नो प्रॉब्लेम वेरी गुड। चला मल्टीप्लाई करे तो फिर से वही मैट्रिक्स बी इनवर्स इंटू आई मतलब अगेन ए इनवर्स सेम बी वॉट में, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स का फॉर्मूला वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट आ गया वन इंटू वन वन, फॉर्मूले का माइनस माइनस बिकम प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एडजॉइंट मतलब इसको क्या करेंगे अपन एलिमेंट को चेंज करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस करो नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, वन वन एंटिटीज ये माइनस का प्लस ये प्लस का माइनस, ये इसका शॉर्टकट एडजॉइंट का, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा उधर लेके गया इसका फाइनल आंसर ये। तो मगर फिर भी इसको देखने के बाद ऑप्शन को तुम देखेंगे तो ऑप्शन तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे, तो ऑप्शन में ए ऑफ थीटा कितना आया क्या नहीं आया, रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा करें यहाँ पे माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे भी इट इज रिप्लेस बाय माइनस थीटा, इट इज रिप्लेस बाय माइनस थीटा, इसके हिसाब से टेन ऑफ माइनस थीटा कितना मिला माइनस टेन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस माइनस बिकम प्लस थीटा, ये तुम्हारा ए ऑफ माइनस थीटा इतना है, ये होगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है क्लियर है आ गया तुमने वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तो अगला क्वेश्चन क्या है क्या तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी इफ एक्स इज अ तो देखो ये एक सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स पे है, इनवर्स पे और क्वेश्चन के साथ सकता देखो कि अगर सेम ए बेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड कैपिटल ए इज इक्वल टू ये वाला है तो देन ए इनवर्स यू टू फाइंड आउट देयर। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, एंड कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स कैपिटल ए समथिंग लाइक टू बी ए, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एंड कैपिटल ए इज इक्वल टू वन 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 देन वन एक्स एक्स स्क्वायर एंड देन वन एक्स स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन क्या पूछा वाला है, क्वेश्चन पूछा वाला है ए इनवर्स कितना रहेगा, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑप्शन
इनवर्स इज इक्वल टू कितना ए क्वेश्चन में पूछा है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज समथिंग लाइक टू बी 1 बाय 4 इन मैट्रिक्स 1x x स्क्वायर x 1x x x स्क्वायर 1 ऑप्शन नंबर बी 1 बाय 6 1 1 1 1 x square x and then 1 x x square. Option number C 1 by 3 1 1 1 1 x square x then 1 x x square. Last option, option number D 1 by 2 minus 1 1 by 2 x square x 1 by 2 x or x square x or x square that options. अब इसमें important term क्या है ये बात याद रखो, ये question सिर्फ नहीं समझता तो सिर्फ एक concept क्या है, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी आने वाला है, इसके वजह से डोंट वरी अबाउट दैट वन, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट पॉइंट। ये जो बीट है इफ एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा है ना ये चैप्टर में है, इक्वल अगर से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर से है तो उस टाइम पे याद रखो जैसा उसमें है अपने पास वो चैप्टर में स्टार बोल के तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन देता। ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए लिया कि अभी ये क्वेश्चन अपने पास आने वाला है इसमें क्या में कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बीट है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल के, तो यहाँ पे तुम समझ के लो कि एक एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर से एक्स था ये अगर से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एक एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर से है तो उस टाइम पे दो रिजल्ट, सबसे पहले x cube is equal to 1 रहेगा, ये आएगा तुमको मैं उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स नंबर समझाऊंगा, फिलहाल अभी आप ये याद रखो x cube is equal to 1 और दूसरा मतलब क्या 1 plus x square करेंगे तो इसके वैल्यू कितनी आएगी दैट इज इक्वल टू 0 1 plus x square is equal to 0। बोलो ये बिट समझा क्या, इसको अपन डिटेल में लेंगे मगर अभी क्वेश्चन के लिए इतना लग रहा तो इसलिए तुमको मैंने यहाँ तक बताया। अभी अगले कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बिट है इसके बाद ठीक है, तो बोलो ये बिट समझा क्या, यस टेल मी नाउ, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं क्या बता रहा यहाँ पे कि x अगर से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब क्या है ये दोनों चीजें पॉसिबल है, अगर से x क्या है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो x क्यूब की वैल्यू 1 रहेगी और दूसरा मतलब क्या 1 plus x square की वैल्यू कितनी रहेगी 0 ठीक है, तो ये दो बातें याद रखो अगर से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है शॉर्टकट से बताता है इसको क्या करो, खाली तुमको ये रिजल्ट मालूम है कौन से मालूम है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू हमेशा कितना रहता आई के इतना रहता, आपके क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है टाइम लग रहा है इसके लिए नो डाउट, तो क्वेश्चन बड़े ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये सब क्वेश्चन चार चार मार्क के जेई के क्वेश्चन है, चार चार मार्क के लिए टाइम तो लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ऐसा, तो अब ये ए मैट्रिक्स तुमको ऑलरेडी दी वाली है और उसने पूछा ये ए इनवर्स ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ए इनवर्स है ये पूछा, तो कभी भी ए इनवर्स निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे सॉल्व नहीं करेंगे इसको, अपन ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी आप देखो ए इनवर्स ये चारों में से एक है इतना मालूम है अपने को, तो क्या करेंगे ए के प्लेस पे ए की मैट्रिक्स और ए इनवर्स क्या करेंगे ऑप्शन में ये जो पहला ऑप्शन रखेंगे ए इनवर्स के जगह पे ए की वैल्यू रखेंगे और ये दोनों का प्रोडक्ट अगर से इतना आया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इसका मतलब ये आंसर आपका बराबर है, समझो ये अगर से ऐसा नहीं आता है
आपने को पहले इसमें समझ में आता, पहले दो तीन वैल्यू में पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, एक दो भी निकालेंगे तो समझ जाएगा कि आंसर नहीं आ सकता उसमें, ये नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन चेक करने का, ए इनवर्स के प्लेस पे दूसरा ऑप्शन रखो बी यहाँ पे और दोनों का मल्टीप्लाई करो, वो इतना आया तो वो उसका सही आंसर, नहीं तो फिर अगले तरफ जाओ सी के पास जाओ, अगर से आंसर इतने में आता है तो आंसर बराबर है, नहीं तो आंसर नहीं है। बोलो मैं शॉर्टकट समझा के क्या बता रहे, देखो मैं तुम्हारे लिए बता रहा शॉर्टकट क्या है यहाँ पे, एकदम सिंपल इस समय तुम्हारे लिए यहाँ पे लगे बताता है जगह है करने बस ठीक है, ये तो तुमको मालूम होगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार करके क्वेश्चन बता देंगे जरा, यहाँ पे लिखता देखो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो स्टार करके क्या बता रहा है यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू 1 रहेंगी और दूसरा रिजल्ट मतलब 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेंगी, तो देखो इसको नहीं समझा उनके लिए इधर क्या बता रहा है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आई, देखेंगे ए क्यूब प्लस बी ए की मैट्रिक्स 1 x x square 1 x square x, a इनवर्स के प्लेस पे a इनवर्स की मैट्रिक्स, अब a इनवर्स में उसने क्या कंफ्यूज किया कि 1/4 बाहर है, सबको 1/4 से मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले ये हो गया 1/4 x बाय 4 और कितना है x स्क्वायर बाय 4, ये आ गया x बाय 4, ये आ गया 1/4, ये आ गया x बाय 4, ये आ गया x बाय 4 x स्क्वायर बाय 4 और ये कितना आ गया 1/4, ठीक है, फिर मैंने क्या किया फिर 1/4 से सबको मल्टीप्लाई 1/4 x बाय 4 x स्क्वायर बाय 4 x बाय 4 1/4 x स्क्वायर और रजिस्टर, अब देखो इसका गुणाकार आइडेंटिटी इतना आता है, देखो देखो तुमको मालूम है पहला रो और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 × 1/4 1/4 प्लस 1 × x/4 x/4 और प्लस 1 × x/4 x/4, अब मेरे को बोलो इसका दूर दूर तक आंसर 1 आता क्या, नहीं आता, क्योंकि x है यहाँ पे, x से आंसर 1 नहीं आता,